उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य मुसीबत के इस दौर में सियासत जोरों पर चल रही है। कभी प्रवासी कामगारों के लिए बस पर पॉलिटिक्स होती है तो कभी बस के बिल पर राजनीति होती है, और अब सूबे में एक नए मुद्दे पर सियासत गरमाई हुई है, और वो मुद्दा है योगी सरकार का प्रवासी कामगारों के लिए बनाया जा रहा प्रवासी आयोग, जिसके तहत यूपी के प्रवासियों को काम पर रखने से पहले राज्य सरकार की इजाजत जरूरी होगी। इस कदम पर अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने योगी सरकार को घेरा है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार हाल ही में किए गए श्रम कानून में संशोधन को लेकर पहले ही विपक्षी दलों के तेवर झेल रही थी, तो अब सरकार का एक और फैसला विपक्ष के तेवरों को और ज्यादा तल्ख कर रहा है। दरअसल हाल ही में प्रवासियों के लिए योगी सरकार ने प्रवासी आयोग का गठन करने का फैसला लिया है, जिसके तहत अब दूसरे राज्यों को यूपी के श्रमिकों को काम पर रखने से पहले योगी सरकार से अनुमति लेनी होगी। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में प्रदेश के कामगारों को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए जल्द ही प्रवासी आयोग गठित किया जाएगा। योगी ने कहा कि इसके तहत उत्तर प्रदेश के सभी कामगारों और श्रमिकों को रोजगार मुहैया कराने के साथ साथ सामाजिक सुरक्षा की गारंटी भी दी जाएगी। योगी सरकार के फैसले पर आज कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने जमकर सरकार को खरी खोटी सुनाई है। प्रियंका ने ट्वीट किया, श्रमिकों की मदद करने के बजाय उत्तर प्रदेश सरकार का एक हैरतअंगेज फैसला आ गया है कि श्रमिकों को उनकी अनुमति के बिना कोई श्रम के लिए नहीं ले सकेगा। क्या सरकार श्रम को बंधुआ बनाएगी? क्या सरकार श्रमिकों के संवैधानिक अधिकार को खत्म करना चाहती है? श्रमिकों के मुद्दे को संवेदना के साथ हल करना होगा। इसके लिए हम सब राजनीति को परे रखकर मदद करने के लिए तैयार हैं, लेकिन अहंकार और राजनीति से उनकी समस्याओं को और बढ़ाने के इस प्रयास को हम सफल नहीं होने देंगे। अब एक तरफ योगी सरकार प्रवासी आयोग तो श्रमिकों के हित में होने का ढोल पीट रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का तो साफ कहना है, योगी सरकार श्रमिकों से उनके अधिकार छीनना चाहती है, उन्हें बंधुआ बनाना चाहती है। अब देखना होगा प्रियंका के इस तल्ख तीरों से योगी सरकार कैसे खुद का बचाव करती है और क्या जवाब देती है। डीबी लाइव की रिपोर्ट।